हमारी आपसे विनती है कि आप हमारे YouTube चैनल वतन समाचार को फ्री में सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल पर प्रेस करके पाइए सबसे पहले अपडेट। अहमद साहब, ये आप कह रहे हैं ना, सरदार लोग चैरिटी में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते हैं, दो चीज़ों का बुनियादी फ़र्क आप समझिए। एक तो ये है कि ज़्यादातर मज़हब इस बात की ट्रेनिंग देते हैं कि जो इस्टेब्लिश लोग हैं वो चैरिटी करें, सो दैट गरीब और अमीर का फ़र्क घटे, कोई भूखा ना सो। ये मैं ज़रूर मानता हूँ कि सरदार कम्युनिटी में इस बात को पूरे ज़ोर शोर के साथ, और हर आदमी कमिटेड है और बहुत ज़्यादा तादाद में लोग करते हैं, इसलिए वो दिखलाई देता है, मिशन मानते हैं, ये उसको अपना मिशन मान के चलते हैं। उसमें गरीब हो, अमीर हो, अरबपति हो, मिनिस्टर हो, वो उसी जज्बे से जा कर के, खिदमत के जज्बे से गुरुद्वारा में काम करता है, वो अप्रिशिएट करने की ज़रूरत है, और पूरी दुनिया में हमको देखने को मिलता है। और ओपन फॉर ऑल कम्युनिटी है तो ये उनसे सबक लेने की ज़रूरत है। जहाँ तक बात मुसलमानों की आप कर रहे हैं, तो इस्लाम पूरा जो मज़हबी है वो बड़ी गलतफहमी का शिकार है कि ये मुसलमानों का मज़हब है, ये इंसानियत का मज़हब है, क़यामत तक आने का आखिरी मज़हब है। और दो बुनियादी बातें, अगर तीन बातें मैं आपको बताऊं, वमा रसूलुल्लाह, कुरान शरीफ में आता है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, कि जो हमारे पैगंबर हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनको दुनिया के लिए रहमत बना करके, पूरी दुनिया के लिए रहमत बना करके भेजा गया, ऐसे मुसलमान के लिए नहीं भेजा गया। कुरान शरीफ में आप ये भी देखिए, अगर जो अल्लाह पाक एड्रेस कर रहा है, या अय्युहन नास, ए लोगों, सारे लोग, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब की बात हो रही है, और ए मोमिनों, मोमिन का मुसलमान को कहते हैं, तो अगर आप गिनती करेंगे तो या अय्युहन नास या मोमिनों से ज़्यादा आया है, इसका मतलब कुरान शरीफ ने सारे लोगों की बातें ज़्यादा करी है, मोमिन और मुसलमान की बातें कम करी हैं। एक तीसरी, अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आप वो जो ट्रेनिंग हमको मिली है, उसमें अगर आप हम खाली एक छोटा सा वाक्या उठा लें, ज़कात का पूरा मसला आप देखिए, किस तरीके से अमीरों और गरीबों में फ़र्क को घटाने की कोशिश करी गई है, किस तरीके से गरीब लोगों का कफालत का सिस्टम बना है। और एक बात अगर मैं देख लूँ, जैसे पड़ोसियों का हक बताया, सारे हकूक़ बताएं, माँ बाप का बताया, सबका बताया, पड़ोसी का हकूक़ बताया कि साहब आपको ये कहा गया है कि अपना खाना खाने से पहले ये तो देख लीजिए कि आपका कोई पड़ोसी तो भूखा नहीं है। और पड़ोसी की डेफिनेशन क्या है, 40 घर आपके इतराफ़ में देख लीजिए, वो कहीं नहीं बताया गया कि मुसलमान 40 ढूंढिए, आपका 40 पड़ोसी, वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो सकता है। तो जो ये ट्रेनिंग इस्लाम दे रहा है, अगर इसको मुसलमान इसको प्रैक्टिस करता, मैं ये नहीं कहता हूँ नहीं प्रैक्टिस करता, खूब अमल करता है, लेकिन शायद उस बात का इश्तिहार कम करता है, फी सबीलिल्लाह करने की कोशिश करता है, और शायद कम करता हूँ, तो अगर मैं ये मान लूँ कि वो कम करता है, तो मुझे लगता है उसको अमल बढ़ाने की ज़रूरत है, उसको कोशिश ये करना चाहिए, अगर वो सही में अपने आप को मुसलमान मानता है, तो उसको ये कोशिश करना चाहिए कि अल्लाह के रसूल की इस तालीम पे हम अमल करें, कि हम जेन्युइनली ये देखें। ये तो एक सिम्बॉलिक चीज़ है कि आप खाने से पहले ये देख लीजिए कि आपका 40 पड़ोसी, 40 घर कोई भूखा तो नहीं है। पैगाम इस बात का है कि आपके साथ रहने वाला आपके साथ आफियत महसूस करे, सुकून महसूस करे। खाना तो एक एक्सट्रीम है, इसका मतलब आपका इखलाक उसके साथ बहुत अच्छा होना चाहिए, आपकी लेन देन बहुत अच्छी होनी चाहिए, और आप तो खाने में भी उसको शरीक करिए, उसको भूखा मत सोने दीजिए। इस पैगाम को और अच्छी तरीके से समझने की ज़रूरत है, अमल करने की ज़रूरत है, और जब आप ये करेंगे तो मुझे लगता है जो एक मुसलमानों को लेकर के एक नेगेटिव छवि भी पूरी दुनिया में बन रही है, खाली आप इसको सही से प्रैक्टिस कर लीजिए तो उस छवि बहुत हद तक ठीक हो जाएगी। मुझे लगता है प्रैक्टिस और अमल को बढ़ाने की ज़रूरत है।